नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत में क्रिकेट प्रेमी को तो आप जानते ही हैं, भारत में किस तरह से क्रिकेट को सबसे बड़ा गेम कहा जाता है और क्रिकेट फैन भारत में बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी देश की तुलना में अगर बात करें तो भारत में क्रिकेट का क्रेज कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि 2007 से जो शुरू हुआ IPL आज के दौर में दुनिया भर का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लीग बन करके उभरा है। वहीं इसमें मौजूदा समय में देखा जाए तो 10 टीमें शामिल हैं, अलग अलग राज्यों की टीम इसमें खेलती है, लेकिन अब इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी जुड़ सकता है। मध्य प्रदेश के युवा नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महान आर्यमन ने बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने मध्य प्रदेश में MPL IPL की तर्ज पर MPL का आयोजन करने का बात कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन में बड़े सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में MPL का आयोजन होगा, जिससे मध्य प्रदेश के युवाओं को क्रिकेट में काफ़ी मौका मिलेगा और सारा कुछ सही रहा तो आने वाले समय में IPL में मध्य प्रदेश की टीम भी खेलती नजर आएगी। सुनिए महान आर्यमन ने क्या कुछ कहा। बहुत बड़ी शानदार टूर्नामेंट हम यहाँ पे रखना चाहते थे। ये हमारा सपना था, पूरी टीम का सपना था। जो MPL की कमेटी है, सालों से 2 साल हो गए जिसपे हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे करेंगे, कब करेंगे, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है कि आज फाइनली वो दिन आया है जो 24 घंटे में ये लीग लॉन्च होगा और हमारे युवा खिलाड़ियों को एक मौका मिलेगा अपना जो स्किल है वो दिखाने के लिए और इंडियन स्काउट्स और IPL स्काउट्स के सामने खेलने के लिए। तो मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम सबका ये एक सपना था कि हमारे युवा खिलाड़ी को मौका मिले, मंच मिले एक बड़ा नाम बनाने का और भारत का नाम रोशन करने के लिए। टीमों को जो नाम की सोच थी वो कहाँ से आपको मिली? वो है, देखिए आप जानते हैं हमारे प्रदेश में जो जानवर है वो बड़ी संख्या में है और हम चाहते थे कि ये जो जानवर की जानकारी है जो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से हैं वो भी लोगों को मिले, लेकिन उसके साथ साथ जब हम जानवर को देखते हैं जैसे कि आप शेर को देखते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी वो कंपेटिटिव पर्सनालिटी भी प्लेयर्स में दिखती है तो वो पहचान भी मिलती है। तो इस दो कारण है कि हमने यहाँ जानवर चुने हैं। इसके लिए उद्घाटन होने वाला है, कौन कौन आने वाला है और पहली बार वो स्टेडियम शंकर दुर्गा जिसको उद्घाटन किया? इसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, हमारी जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह जी, मेरे पिता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कपिल देव जी जो एक विशाल प्लेयर हैं क्रिकेट में, वो भी आएंगे। आने वाले समय में IPL में क्या मध्य प्रदेश की टीम भी भाग लेगी? वो हम सबका सपना है और हम देखते हैं, हम ये एक पहला कदम है तो हम देखते जाएंगे आगे वाले सालों में ये कैसे चलता है, लेकिन हाँ ज़रूर ये हमारा एक सपना है जो हम चाहते हैं कि एक IPL टीम यहाँ से भी। तो सुना आपने, आपको बता दें कि बीते दिन अगर देखा जाए तो IPL में मौजूदा समय में 10 टीमें खेल रही हैं जिसमें कुछ ही साल पहले UP और गुजरात की टीम शामिल हुई थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इस युवा नेता ने यहाँ की टीम MP को भी इसमें शामिल करने का जिक्र किया है और उसी के तर्ज पर पहले तो MPL टीम का गठन किया गया है और देखना होगा कि जब इस टीम का ऐलान होगा कौन कौन इसमें मध्य प्रदेश से शामिल होता है। फिलहाल बता दें बड़े तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है जिसमें ज्योतिराज सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोज यादव शामिल होंगे, अगर बात करें जय शाह की तो वो शामिल होंगे, तमाम बड़े नेता जो महान आर्यमन कह रहे हैं बड़े इसके उद्घाटन में शामिल होंगे। लेकिन IPL प्रेमियों के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की टीम भी कुछ ही साल में इसमें शामिल हो सकती है। महान आर्यमन के बयान पर आपकी क्या राय है और मध्य प्रदेश में जो MPL का आयोजन किया जा रहा है क्रिकेट प्रेमी के रूप में आप इसे किस तरह देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।